प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से कृपानुभूति अंग से भगवान कृष्ण की कृपा का वर्णन करने जा रहे हैं, जो हमारे एक भाई जी ने कल्याण में गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण में प्रेषित किया है। बहुत ही मतलब भगवान कैसे कृपा करते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन सुनने से पहले हम एक निवेदन ये करना चाहेंगे कि ये सब सच्ची घटनाएं हैं, कोई ये काल्पनिक कहानियां नहीं है। यहाँ पर ये होता है, जैसे हमारे यहाँ सबके यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण जो आता है तो उसमें पीछे एक अंक दिया रहता है, पढ़ो समझो और करो। उसमें सभी लोग जो जिसके साथ गुजरता है, जिसका जो अनुभव होता है, वो सब गोरखपुर गीता प्रेस में भेजते हैं, तो वो कल्याण वाले भैया लोग इसको छापते हैं। तो वो उसी का जो जिन्होंने भेजा है, वो उन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा कैसे हुई। अब आप ये सुनिए, ये सच्ची घटना है। जिन्होंने लिखा भेजा है, उन्होंने लिखा है कि ये घटना मेरे बचपन की है। उस समय शायद मेरी आयु 12 या 14 वर्ष रही होगी। मेरे गांव में कोई विशेष उत्सव नहीं होता था, सिर्फ भादों की जन्माष्टमी में गांव के नदी के किनारे एक झांकी सजाई जाती तथा जन्म के समय सभी लोग पहुंचकर सामूहिक रूप से झांकी का पूजन किया करते थे। उस समय लकड़ी की एक चौकी पर हरे बांस की पतली शाखाओं से झांकी का प्रेम मनाया जाता था एवं पड़ोस की औरतें जैसे कि झांकी सजाई जाती थी तो नई नई साड़ियों से जैसे डिजाइन बनाई जाती थी वो दे देती थी। और ये जो भैया लिख के भेजे हैं वो एक इलेक्ट्रीशियन थे एवं मोटर वाइंडर का कार्य करके परिवार का अब पालन पोषण करते हैं। बचपन से मुझे टेक्निकल कामों में रुचि थी, इसलिए मोहल्ले वालों ने मुझे ही झांकी बनाने का काम सौंपा। मैंने जन्माष्टमी के एक दिन पहले झांकी बनाने का काम प्रारंभ किया। अकेले काम करते हुए मैंने दोपहर तक बांस की चौकी में बहुत ही सुंदर सा फ्रेम बनाया कृष्ण भगवान की, और उसमें एक छोटा सा चित्र मतलब जितना उस फ्रेम में आ सकता था कृष्ण भगवान के बालों का बहुत ही सुंदर सा चित्र लगा दिया। और इतने मतलब जैसे कि आदमी खुद ही कोई चीज़ बनाता है तो स्वाभाविक है उसको वो अपनी कला बहुत ही प्यारी लगती है, तो भैया निरंतर उस चित्र को बराबर निहार रहे थे। वो लिख रहे हैं कि मैं मात्र अंडर गारमेंट पहने हुए, जैसे कि भादों का महीना गर्मी का मौसम था, अंडर गारमेंट पहने हुए था। दोपहर तक काम करते करते थक गया था, अतः दोनों पैर झांकी की ओर करके तथा दोनों हाथ पीछे को टिकाकर थोड़ा सा उनको हल्की सी झपकी जैसी आने लगी, तो उनको लगा कि जैसे कि पैर की जांग के ऊपर कोई ठंडा 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 सा रेंग रहा है। जब उनको एकदम से ऐसे आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक मोटा काला नाग जिसके फनफर सफ़ेद आकार का ऐसे बना होता है त्रिशूल टाइप का, वो उनके पैरों पर चल रहा है। अब उनकी तो भैया की तो जान ही निकल गई और वो सोची कि मैं क्या करूँ, लेकिन वो हिले डुले नहीं, वो एक ही जगह बैठे रहे और वो मन ही मन उन्होंने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद हो गई और वे ढीले ढुले भी नहीं। कुछ प्रतीक्षा करने के बाद भी पैरों पर वे नाग, मैंने डरते हुए आंखें खोली तो देखा कि उनके बराबर जैसे कि ये ऐसे बैठे हुए भैया, तो उनके सिर के बराबर पैर के ऊपर जांघ के ऊपर ऐसे सिर के बराबर हो गए और ऐसे फन फैलाए हुए निरंतर कृष्ण भगवान के चित्र को हुई वो जैसे जांघे की तरफ मुंह करके उसी चित्र को वो नाग देवता भी अपलक निहार रहे हैं। हम ये कहना कह चाहेंगे कि बिल्कुल सच्ची घटना है। अब उन्होंने फिर दोबारा भयवश आंखें बंद कर ली और पसीना एकदम से छूट गया, फिर एहसास हुआ कि उनके शरीर से जैसे कि वो उतर के जा रहे हैं, एहसास कि उतर गए। अब जैसे उनका कि पूरी तरह से शरीर से हट गए तो एकदम से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागे, सांप 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 करते हुए भागे। तो वो भैया लिख रहे हैं कि आज भी सोचता हूँ कि कुछ तो विशेष रहा होगा, जो भी हो मुझे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा का अवश्य, जैसे कृष्ण भगवान ने प्रत्यक्ष कृपा करी जिसकी याद करके आज भी मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि मेरे ऊपर काला मोटा नाग वो भी सफ़ेद चिन्ह वाला और जांघ पर बैठा रहा और प्रभु की ऐसी प्रेरणा कि भैया भी वो हिले डुले नहीं और भगवान की कृपा से कुछ नुकसान भी नहीं किया और फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए। ये क्या है भक्तों, ये सिर्फ भगवान की कृपा है। ऐसे हमारे भगवान सब पर कृपा करें और हमें सभी संकटों से बचाएं। हरे कृष्णा।